न्यायालय में चल रहे बौद्ध सोसाइटी सिद्धार्थ नगर के मामले में दो पक्षों में हुई झड़प। बौद्ध भक्तों ने झंडा नाली में फेंकने एवं उसको मारने पीटने का आरोप लगाया। सिद्धार्थ नगर पुलिस कर रही है कार्यवाही। प्राप्त जानकारी के अनुसार सदर थाना क्षेत्र के बुद्ध नगर स्टेशन देश मतलब श्रीलंका का है, ये हम लोग का जगह है, महाबुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया का जगह है। 1891 में इधर कार्यक्रम हो रहा है, पूजा चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। आज हम ये सफाई सुथरा करने के लिए इसी जगह पर हम आया, सुबह बुद्धिस्ट फ्लैट हम लेकर आया है। हम चारों तरफ बुद्धिस्ट फ्लैट लगवा दिया है, मेरा जमीन पर ये आपको देख रहा है, ये सारा जम लगा दिया है। ये परमजीत उसके बाद उसका बेटा आकर हमको हाथ ले चीवर हटा के मेरा मोबाइल सब गिरा के हमको मार के ये सारा चीज, ये झंडा बुद्धिस्ट फ्लैट, दुनिया का बुद्धिस्ट फ्लैट, उसको नाली में पिकवा दिया है। आप देख लीजिए, इसकी सूचना आपने किसको दी? थाने को दिया। ये हम लोग वकील साहब पे, वकील साहब के साथ बात कीजिए थोड़ा। ऐसा है कि मैं महाबोधि का जो है वकील हूँ जी, और जहाँ भी केसेस होते हैं वहाँ जाता हूँ, मैं आता हूँ। मामला कोर्ट चल रहा है ना? मामला कोर्ट में इन्होंने मतलब इलीगल व्यक्ति से जो है मतलब पैसा दिखाया, लेकिन कोई पैसा वैसा का लेन देन कहीं महाबोधि की तरफ से नहीं हुआ। उनका क्या कहना है? उनका यह कहना है कि कोई भंते आए थे, हमने उनको पैसा दिया तो ये है वो है, अब विदाउट पब्लिक डॉक्यूमेंट के प्राइवेट डॉक्यूमेंट पर वो जो है मतलब इस पर कब्जा करना चाहते हैं, जबकि उनको कोई अधिकार नहीं सृजित होता है। आज क्या हुआ? आज ये लोग जो है मतलब भंते जी आए, इनके साथ जो है 4-5 लोग थे, साफ सफाई करवा रहे थे, और जो मतलब बौद्धिस्ट झंडा था उसको इन्होंने जबरदस्ती उठाकर फाड़ के फेंक दिया, नाली में फेंक दिया, भंते जी को मारा, उनका मोबाइल उठाकर पटक दिया, और उसके बाद हस्तक्षेप कर बाबल की गाली दिए, जान से मारने की धमकी दिए। कायम कोर्ट में देखेंगे तो यहाँ देखेंगे वहाँ देखेंगे, डरा धमका करके इनको जो है मतलब वो किया गया, इनके आदमियों को। ये कुमार जी हैं, लोकल व्यक्ति हैं, नरेंद्र कुमार जी यहाँ के इंचार्ज हैं महाबोधि की तरफ से, इनको भी डराया धमकाया ये साले। ये जो कब्जा करने वाले व्यक्ति, उनका नाम क्या है? उनका नाम है परमजीत सिंह नाम है, और उनके भाई का नाम बलविंदर सिंह है, और इंद्रजीत सिंह है उनके लड़के का नाम। अब आप क्या कर रहे हैं? हम जो है कार्रवाई कर रहे हैं, थाने को सूचना दी है, थाना आप जो भी कानूनी कार्रवाई करेगा हमको जो है स्वीकार। पुलिस क्या आपकी सहयोग कर रही है? पुलिस हमारी पूरी सहयोग कर रही है, और मैं सहयोग की आशा भी रखता हूँ कि एक विदेशी नागरिक के ऊपर जो है इन लोगों ने मतलब की अपराध किया है, जो कि हमारे भारत में मतलब क्या प्रवासी सम्मेलन हो रहा है, जहाँ पर भारतीयों को जो है मतलब विदेशियों को बुला करके जो है मतलब उनका स्वागत किया जा रहा है, वहाँ विदेशी के साथ जो है मतलब अत्याचार किया जा रहा है। इससे बौद्ध पर्यटन पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। ये जो है देश विदेश में जब जाएगा कि हमारे बौद्धिस्ट झंडों को जो है मतलब कि फेंका गया है, नाली में फेंका गया है, तो इसका जो है बुरा असर जाएगा, बुरा प्रचार होगा भारत का। इसलिए हम चाहेंगे कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई करते हुए इनके विरुद्ध जो है धोखाधड़ी का मुकदमा चलाया जाए।